ये कहानी है एक 5 वर्ष की लड़की की, जो बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग सी थी। 5 साल की होने के बाद से ही ये बच्ची अपने आसपास के जीव जंतुओं की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले उसे उन जगहों पर मौजूद गड़े खजानों के बारे में बताते थे जो किसी इंसान की नजरों से बहुत दूर थे। लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी, उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और बढ़ने लगी। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे, जिनमें अलग अलग तरह के भूत, प्रेत और आत्माएं उससे बातें किया करती थी। वह उसे आने वाले भविष्य की जानकारी दिया करते थे। जब नीलावंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे वह भूत, प्रेत और आत्माएं सपने में न आकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। नीलावंती दिन भर भूत, प्रेत और आत्माओं से घिरी रहती थी, जो हर समय उसके कानों में कुछ ना कुछ फुसफुसाते रहते थे।